हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज आपको मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली, और ये पार्ट में स्टोरी आएगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो मैं आपको स्टार्टिंग में एक ऐसी परिवार की स्टोरी सुनाने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा आपको सुनकर ना एक तो मज़ा आने वाला है और एक हंसी आने वाली है। कि ये मैंने ऐसी स्टोरियाँ ना सीरियलों में देखी थी, पर ये स्टोरी ना रियल लाइफ में मैंने अपनी आंखों से भी देखी है। तो मैं आपको वो स्टोरी बताने वाली हूँ, माँ बेटी बहू साजिश। ये है मेरा स्टोरी का टाइटल जो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलो आओ, मैं अब आपको बताती हूँ। एक होती है माँ, जो क्या है, उसके पीछे उसकी माँ का ना कई रूप है। वो ऐसे दिखाती है लोगों के आगे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, वो तो किसी से बोलता नहीं, वो किसी से चालता नहीं, वो दिखाता है उसका बेटा कि हम कितने रईस हैं। और उसकी माँ थकती नहीं है अपने बेटे की तारीफ करे कि मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरा बेटा तो ऐसा है। अरे बहू की भी तो तारीफ करो ना, बहू क्या तुम्हारी दुश्मन है? अब आता है इसमें मेन रोल बेटी का, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हंसी भी आएगी आपको, और मैं इसलिए ऐसे एक्सप्रेशन, मतलब जो एक्शन करके दिखा रही हूँ, जो रियल है, हंसी इतनी आने वाली। अब बेटी को क्या है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया, तो बेटी माँ के साथ ही रहती है। जब बेटी माँ के साथ रहेगी तो कैसा होगा, जी तो आप सबको भी पता होगा, क्योंकि वो अपनी भाभी के खिलाफ तो आग लगाएगी। और आग कैसे लगाती है, बेटी चाहती है हर जगह मेरा राज चले, ऐसी बेटी है। माँ बाप क्या, जैसी बेटी सिखाएगी वैसी चलेगी। तो जो रियल स्टोरी सुना रही हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, और मैं आपको हर पार्ट में बताऊंगी। अब माँ हर जगह जाती है, एक एक घंटा ना मंदिर में बिताती है। सुबह जाएगी उसकी माँ, पूजा पाठ करने थोड़ी ना जाती है, बहू की चुगलियाँ करने जाती है। मेरी बहू तो काम ही नहीं करती, और मेरी बेटी तो सारा काम करती है घर का। अरे बेटी सारा काम नहीं करती, बहू काम करती है, ये है रियलिटी। बेटी चार सामान ले आती है घर में, तुम खा रही हो पी रही हो, भाई के घर में पड़ी हो, तो तुम चार काम करोगी तो उसमें क्या जाएगा ये बताओ। वो तुम्हारे बच्चों का भी तो पढ़ाई का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा उठा रहा है ना बंदा तुम्हारा भाई, तो तुम चार काम उसके घर में रह के कर दोगी तो क्या होगा बताओ। इसमें आप कमेंट भी करके बताना। ये है हमारे पड़ोस में है पड़ोसी, मैं उनकी स्टोरी बता रही हूँ। जब भी वो मंदिर जाती है ना, आंटी उनकी सास है, बहू की सास, मतलब माँ बेटी, मेरी बहू से तो काम ही नहीं होता, पूरा दिन काम में लगी है, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, सारा काम कर देती है, इसके तो हाथ पैर ही नहीं चलते, बहू के दुश्मन हो जाती है, कहीं लेके नहीं जाते, बहू सारे दिन घर में लगी रहती है, बर्तन कपड़ा, बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, खाना पीना 3 टाइम का, सुबह अगली 6 बजे बहू उठ जाती है, रात को 12 बजे बर्तन मांज के सोती है, तो बहू बुरी है, बेटी धरी धरी बैठी रहेगी, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, और डोलने के लिए, मतलब घूमने के लिए बिल्कुल ताजी हो जाती है, दिखाती है देखो मैं कितना काम करती हूँ। और अभी उनकी सगी बहनें आ जाए उनके घर में, तो उनके आगे दिखाएगी, देखो फटाफट फटाफट काम कर लिया, फटाफट फटाफट सब कुछ कर लिया, ऐसे बनकर दिखाती है।
माँ बेटी, अरे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। अब फिर पता क्या करेंगी बाद में, मेरे बेटे का तो काम ही नहीं चल रहा, मेरे बेटे का तो काम ही नहीं चल रहा। अरे तुम इस एक जहाँ रहते हो वहाँ का रेंट दे रहे हो, बेटी को भी अलग घर दिला रखा है, वो भी रेंट पे दे रखा है कि लोग पूछे ना कहे। लड़की वहां रहती नहीं है, जब कमरा दिला रखा है, फ्लैट एक दिला रखा है बेटी को, वहां क्यों नहीं रहती? यहाँ रहेगी तो आग कैसे लगाएगी, दूर रहेगी तो, इसलिए माँ के साथ ही रहती है, आग लगाने में परफेक्ट रहे। और कुछ काम नहीं है बेटी को, बस फोन करती रहेगी अपने बहनों को कि जी तो ऐसी है, काम ही नहीं करती है, सुबेरे ऑफिस जा रहा है, अब उसका पति तो जी खाना बना के नहीं देती है, इनके में जैसे ये रूल है कि नहाई नहीं है तब तक तो रसोई में नहीं जाएगी, तो मतलब वो चीजें है भैया। जब तू घर में रहती है, एक ही घर में, तो रोटी तू भी तो बना के दे सकती है ना, बहू ही करेगी, गेट भी तो बहू खोलेगी, मतलब सब काम बहू करेगी। माँ बेटी क्या करेगी, डोलने के लिए परफेक्ट है। कोई अभी कह दे ना यहाँ यात्रा निकल रही है, फटाफट कपड़े लत्ते पैक करे और रेडी घूमने के लिए, जब उनकी टांगे सही हो जाती है। ये बताओ 70 साल की औरत जवान है या बुढ़ी है, वो कहती है मैं 70 साल की हूँ तो मुझे अम्मा मत कहा करो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं भैया, इतनी बड़ी है तो अम्मा ही तो कहेंगे, कहती मुझे आंटी बोला करो, मैं तो भी जवान हूँ। 70 साल की बुढ़िया जवान कहाँ से हो गई, बेटी 60 साल की है, वो भी कहती मैं तो अभी 40 साल की हूँ, मैं तो मुझे दीदी बोला करो। अरे तू तो दीदी कहाँ से हो गई, मंदिर में जाएगी बहू की इतनी चुगलिया, इतनी चुगलिया, बस लड़के की तारीफ क्यों, पूरे परिवार को लड़का पाल रहा है, 10 जने हैं खाने पीने वाले। ये बताओ बंदे की फैक्ट्री है, वो भी रेंट पर है, कमा रहा है, दो दो मकान रेंट के जा रहे हैं, बिजली का बिल, हर चीज का, लड़की है यहीं रह रही है, उसकी भी लड़की है, उसका भी खर्चा उठाना, मतलब उसके भी दो बच्चे हैं, वो भी अपना खर्चा उठाना, मतलब हर एक बंदा उठा रहा है। पर माँ बेटी ना ऐसे दिखाती है लोगों को, और कोई उनके काम को जरा सा मना कर दे ना, फिर देखो चढ़ के बैठती है वो कि तू तो बहुत गंदी है, तू तो बहुत बुरी है। जैसे कभी बर्थडे कर रहे हो, वो अपने लड़की का कर रहे हो, किसी ने दिया भैया नहीं दिया, किसी की हैसियत है नहीं दिया, किसी ने ये बोल दिया कि हम आपको 4 दिन बाद, मेरी धेवती को तो तुमने कोई गिफ्ट नहीं दिया। अब कई बात है भैया, हर कोई बंदा है अपने बच्चे के बर्थडे पे आस पड़ोस में कभी किसी को बुलाता है, किसी को, मेरे बच्चों को तो तुमने नहीं बुलाया, हमने तो तुम्हारे बच्चों को बुलाया था। ये तो चुच्ची औरतें होती है, ये चुच्ची हरकतें, ये वो करती सास बहू बहू साजिश जो मैं आपको बताया। ये है अभी तक की स्टोरी, आपको आगे और इसकी नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी सेकंड, तो वो भी स्टोरी आप सुनना, मज़ेदार है। और मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बाय बाय, और कमेंट में बताना कि इसमें कौन गलत है, दिखावा करते हैं भाई दिखावा लोगों के आगे, मेरा बेटा तो काम धंधा नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, फलाना नहीं चल रहा, डिकरा नहीं चल रहा। भैया इतना सब कुछ तुम रेंट फिर कहाँ से दे रहे हो, इतना बंदा कहाँ से खर्चा उठा रहा है, ये भी आप सोचने वाली तो बात है। ये सोचते हैं कि हम में ही दिमाग है, सामने वाले में दिमाग ही नहीं है। तो मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी स्टोरी लेकर आऊँगी, और मैं पार्ट में लेकर आऊँगी, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जितना अच्छा करोगे, तो बाय बाय, अच्छा लगा तो कमेंट में बताना।